दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ नाम के ही शरीफ होते हैं और अगर इनके कामों को यहूदी देख लेते हैं तो वो भी शर्मा जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे मरियम नवाज हमजा शहबाज के साथ बगलगीर हो रही है। पहली बार तो मरियम नवाज की नज़र कैमरे पर पड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने जब भी जरा कुटके नहीं डाली। सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। लेकिन अगली बार जब मरियम नवाज की मुलाकात फिर से हमजा शहबाज से होती है तो ये दोनों रवायती अंदाज में मिलते हैं और फिर जब भी होती है वो भी कुटके। मतलब आप देख सकते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये इसी इस्लामी मुल्क के हुक्मरान हैं। यानी इनके यहाँ गैर महरम से जप्पी लगाना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ये लोग खुद को सेकुलर समझते हैं। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जेब हमारे टैक्सों का पैसा खाने वाले या यूं कह लें कि उड़ाने वाले इन्हीं पैसों से शराब भी पीते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज ने शराब पी रखी है और इमरान खान के असेंबलियां तोड़ने पर दुख का इजहार किया जा रहा है। वो आज बेचारा क्या करता, पर्ची जेब से निकाली, खाली पेपर, ये सबूत है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो जो गैर मुल्की ताकतें होती है वो सबूत लिखे देती है। अजीब बात है भाई। अच्छा, दुनिया में पहली मरतबा किसी बैरूनी ताकत में किसी मुल्क को खत लेकर वजीर आजम हटाने का हुक्म दिया। ये एक इंतहाई सीरियस इशू है, क्योंकि यह धमकी इमरान खान को नहीं दी गई थी, ये दुनिया की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर को दी गई। और इसका मरकजी किरदार कौन है? इसका मरकजी किरदार है 3 बार इस मुल्क का रहने वाला वजीर आजम मियां। दोस्तों, बात तो सीधी है लेकिन सीधे तरीके से समझ नहीं आती। इस वीडियो को देखने के बाद जरा सोचिए कि ये हमारा मुल्क है, किसी और का नहीं। तो इसलिए कमेंट में कम से कम हाजी सनाउल्लाह बनने की कोई जरूरत नहीं।